Hello guys, I am Piyush Goyal and so we are going to start gaseous state. जैसे कि आपको पता होगा कि states of matter हमने पढ़ा था बचपन में कि तीन states of matter होते हैं. States of matter are of three types: solid, liquid and gas. ये तो सबको पता होगा. शायद आपने कभी ये भी पढ़ा होगा कि एक फोर्थ स्टेट मैटर भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम जेल कहते हैं. सेमी सॉलिड टाइप होता है ये. ठीक है, तो एटमोस्ट वी हैव फोर स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको हर स्टेट ऑफ मैटर की बताऊंगी कि सॉलिड क्या होता है. मोस्ट स्ट्रांग, इसमें जो इंटर आयनिक बॉन्डिंग होती है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है. इसी तरह से लिक्विड में स्ट्रांग तो होती है बट दे आर वीकर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड. गैसेस में और कम हो जाती है, मतलब इंटर आयनिक जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है इन केस ऑफ गैसेस. तो इसमें क्या होता है, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सेपरेट रहते हैं बिल्कुल, कभी भी एक दूसरे से टाइट पैक नहीं रहते. तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम इसे किसी भी स्पेस में फिल करते हैं तो ये हर जगह फैल जाएंगे मॉलिक्यूल्स. जबकि सॉलिड और लिक्विड के साथ ऐसा केस नहीं है. लिक्विड को अगर आप एक जार में डालोगे तो वो उतनी ही वॉल्यूम लेगा जितनी वॉल्यूम उसकी ओरिजिनली थी. बट गैसेस का क्या है, उनको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है. जितना स्पेस मिल जाए वो उतनी ही स्पेस में एक्सपेंड हो जाती है. ठीक है, इसी तरह से और प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, कि सॉलिड जो है वो स्ट्रांग तो होते ही होते हैं और उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं. इसी तरह से लिक्विड में पास पास होते हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड दे आर फार, और गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं. तो इस टाइप से कंपैरिजन आपने आप सबको पता होंगे सॉलिड लिक्विड और गैस में. जेल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले गैसेस की और प्रॉपर्टीज. और प्रॉपर्टीज का मतलब गैसेस की वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, किसी चीज का इफेक्ट ऑन गैस, सारी चीजें जो गैस से रिलेटेड है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. ठीक है ना, तो लेट्स गो फॉर इट. सी, गैसेस की कुछ ना अपने प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहलाते हैं. जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया, गैसेस डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. अब जितनी भी वॉल्यूम में उसको डालोगे वो उतना ही एक्सपेंड कर जाएगी. गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन सराउंडिंग्स. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे पास एक ये एयरटाइट क्लोज कंटेनर है, इसमें हमारे पास कोई गैस है. सपोज ये तो आपको पता होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं. रैपिड मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है. ठीक है, टोटली रैंडम मोशन जिसे कहते हैं, कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से मूव कर सकता है. उनके पास अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम बाद में डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी में कि उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. लेकिन उसके आप अभी टेंशन मत लो. अभी आप ये समझो कि जब वो मॉलिक्यूल्स इस जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनको स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद ये टेम्परेचर जो फोर्स एग्जर्ट होता है, सीधी सी बात है, जब कोई पार्टिकल किसी वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो उस पर एक इम्पल्स लगेगी. उस इम्पल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे तो उस इम्पल्स के इम्पल्स का कॉम्बिनेशन एक प्रेशर बन जाएगा कि इस पूरी वॉल पे कुछ प्रेशर लग रहा है. इसी तरह से यूनिफॉर्म प्रेशर लगेगा चारों वॉल्स पे, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस. मतलब जितनी ज्यादा फोर्स से वो गैस के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे वॉल को उतना ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा उस गैस का. तो सीधी सी बात है, मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे अगर कोई हमारे पास गैस है, मान लो इस डब्बे के अंदर इसको मैंने नीचे से हीट करा, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी भागने लगेंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. ठीक है, और जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स हैं इनका मोशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इनकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी. तो दैट इज़ वाई उनकी जो इम्पल्स होगी इनकी वॉल्स पे वो इंक्रीज होएगी,
एंड दैट विल कॉज इंक्रीज इन प्रेशर. तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ जाता है. ये हम बाद में और देखेंगे दोबारा. तो एक दो छोटी छोटी चीज़ें कि कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती और प्रेशर गैस का अपना प्रेशर होता है. ठीक है, तो इसी तरह से गैस की ना कुछ अपनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट. तो ये चार चीज़ें हम उनको देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और इनको मेजर कैसे करते हैं. सी गैस